हेलो गाइस, वेलकम टू अपर्णास रेसिपी ट्री। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं झटपट बनने वाली टेस्टी सी क्रिस्पी और महीनों तक चलने वाली टेस्टी सी लहसुन बेसन की पापड़ी। फ्रेंड्स, बना लेते हैं लहसुनी बेसन पापड़ी। लहसुन बेसन पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है मिक्सी का जार और उसमें हम डाल देंगे 12 से 15 लहसुन की कलियाँ, क्योंकि हम जो इसमें चाहते हैं कि इसका जो फ्लेवर हो पापड़ी का एकदम लहसुन वाला है, इसलिए हम लहसुन की क्वांटिटी को ज़्यादा ले रहे हैं। अगर आप लहसुन पसंद नहीं करते तो आप इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही हमने ले ली है 4 हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च लीजिएगा, हम थोड़ा सा इसे चटपटा बनाना चाहते हैं। और साथ ही ले ली थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और ले लिया है 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच ले लिए अजवाइन। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसका पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसका पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। लहसुन बेसन पापड़ी बनाने के लिए हमने एक परात में ले लिया है 1.5 कटोरी बेसन। उसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी चावल का आटा, 1 चम्मच डाल देंगे तिल और आधा छोटा चम्मच डाल देंगे इसमें हम हींग डालना बहुत ज़रूरी है। हींग से इसका जो पापड़ी का टेस्ट है बहुत बढ़िया आता है, तो आप हींग को ज़रूर डालिएगा। साथ ही डाल देंगे आधा छोटे चम्मच से भी कम लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हम इसमें हरी मिर्च भी डाले हैं। और आधा छोटा चम्मच डाल देंगे इसमें हम हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच से भी कम डाल देंगे इसमें हम गरम मसाला और डाल देंगे इसमें हम स्वाद अनुसार नमक। और इन सारी सामग्री को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। देखिए, हमने सारे मसालों को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच गरम किया हुआ तेल। ये तेल हम गरम कर लिया हमने, इसमें हम इसका मोयन डालेंगे, जिससे कि जो हमारा पपड़ी है एकदम खस्ता बनेगी। बेसन में अच्छे से मोयन को हमने लगा दिया है। अब हम जो हमने मसाला पीस के तैयार किया था, जो हमने पेस्ट बनाया था मिर्ची अदरक लहसुन का, उसको इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बिल्कुल हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक थोड़ा सा हार्ड सा डो बना करके तैयार कर लेंगे। जैसा हम रोटी का डो बनाते हैं, उससे थोड़ा सा हमें हार्ड डो बना के तैयार करना है। बस आपको पानी को बिल्कुल धीरे धीरे करके डालना है। देखिए, हमने इस तरह से आटे को गूँथ लिया है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, थोड़ा सा इसे हमने हार्ड ही रखा है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। देखिए, जो हमारा पापड़ी का आटा है, जिसने कि 10 मिनट रेस्ट कर लिया है, एक बार हम इसे फिर से अच्छे से मसल लेंगे। अब हम इसके ले लेंगे एक लोई, थोड़ी सी बड़ी साइज़ के लेंगे। अब हम इसकी एक पतली सी रोटी बेल करके तैयार कर लेंगे। देखिए, इसकी हमने बड़ी सी पतली सी रोटी बेल करके तैयार कर ली है। जितनी मोटी आप रोटी रखते हैं, उससे पतली बेलना है। तो ये बड़ी सी हमारी रोटी बनके तैयार है। अब हम लेंगे एक ग्लास या फिर लीजिए बाउल छोटा साइज़ का और उससे हम इसको ऐसे कट कर देंगे गोल गोल शेप में। आप इसे अपने मनचाहे शेप में भी कट कर सकती है, जो शेप आपको चाहिए उसमें आप इसे कट कर सकती है। देखिए, इसे हमने गोल गोल शेप में कट कर लिया है। चाहे तो आप इसे स्ट्रिप के शेप में भी कट कर सकती है या फिर आप इस चौकोन चौकोन शेप में भी कट कर सकती है। अब हम एक लेंगे फोक और फोक से इसको बीच में ऐसे गोद देंगे, जिससे कि जो ये हमारी पापड़ी है तेल में जाके फूलेगी नहीं और एकदम क्रिस्पी बनेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपनी सारी बेसन की पापड़ी बना करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे कर लेते हैं डीप फ्राई। पापड़ी को तलने के लिए हमने कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया है और जो हमारा तेल है ये थोड़ा सा गरम हो गया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, हमें इसे नॉर्मली गरम करना है। गैस की फ्लेम को भी मीडियम टू लो रखेंगे और दोनों साइड से पलटते हुए इसे सुनहरी क्रिस्पी होने तक हम तल लेंगे। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और आप इसे करीबन 2 से 3 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसके मज़े ले सकते हैं। देखिए, जो हमारी बेसन पापड़ी है जिसे कि हमने दोनों तरह से अच्छे से तल लिया है और ये देखिए एकदम क्रिस्पी हो गई है। अब हम इसे ऑयल से निकाल लेते हैं। देखिए, हमने अपनी सारी बेसन पापड़ी को तल लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। फ्रेंड्स, तैयार है हमारी सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी और महीनों तक चलने वाली टेस्टी सी लहसुन बेसन की पापड़ी। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करिए। अगले नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। खाते रहिए, खिलाते रहिए।